Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Today I am here to teach you chapter number 9, The Earth, Our Habitat, part 2. In this, first of all, we will read a small paragraph which is given on the earth. So let us read it. Earth is not like a ball, but it is like an orange. Means student, in this line, that the shape of our earth is not like a ball, it is like an orange. इसमें बोला गया है बच्चों कि जो हमारी shape है, earth की जो shape है वो एकदम ball की तरह नहीं होती है, वो orange की तरह होती है, यानी कि एकदम गोल नहीं होती है. कह सकते हैं ओवल शेप में कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑरेंज. आपने देखा होगा ऑरेंज जिस शेप का होता है वो टोटली पूरा गोल नहीं होता है, ठीक है. तो उसी शेप का हमारा अर्थ होता है. द अर्थ पोल्स आर स्लाइटली फ्लैट एंड इज स्लाइटली इन्फ्लेटेड एंड एट इक्वेटर. बच्चों जो अर्थ के जो पोल्स होते हैं लाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो स्लाइटली फ्लैट होते हैं और स्लाइटली इन्फ्लेटेड. इन्फ्लेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा फूला फूला होता है ना बीच में, तो हमारा जो अर्थ है वो बीच में से थोड़ा सा फूला हुआ होता है इक्वेटर की जगह पे. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द पोलर सर्कल. जो हमारा अर्थ का जो सेंटर होता है बच्चों वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पोलर सर्कल. वी कैन नो द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द अर्थ. ओके स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द वॉल्यूम एंड वेट. वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड. ओके, सो व्हाट एवर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अवर अर्थ इज नोन एज द वॉल्यूम एंड द वेट इज, हम कह सकते हैं इन हिंदी वजन, ठीक है, किसी भी चीज़ का वेट, वजन तो वो होता है वेट. इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट अर्थ इट इज़ यूज एज अ सर्कुलर डिवाइस. सो बिफोर वी विल रीड अबाउट द अर्थ वी शुड नो वट इज़ द यूज ऑफ द अर्थ. इट इज़ यूज एज अ सर्कुलर डिवाइस. अ मैप ऑफ द वर्ल्ड इज ड्रॉन ऑन इट. जो हमारा जो अर्थ है उसके बेसिस पे जो हमारा जो वर्ल्ड का मैप है वो बनाया गया है. कॉन्टिनेंट ओशियंस एंड इम्पॉर्टेंट लाइन्स आर ड्रॉन ऑन इट. और जो हमने जो वर्ल्ड का मैप बनाया है उसमें बच्चों हमने कॉन्टिनेंट, हमारे जो ओशियंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन्स यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जितने भी लाइन हैं वो सब हमने ड्रॉ की हुई है. द ग्लोब इज अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द अर्थ. अच्छा, रेप्लिका क्या होता है, एकदम सेम टू सेम किसी भी चीज़ की कॉपी करना, राइट. तो जैसे हमारा अर्थ जैसे दिखता है सेम टू सेम हमने उसी तरीके का हमने ग्लोब बनाया हुआ है. जो आपने अक्सर देखा होगा दुकानों में या फिर काफ़ी आपके घरों में भी पाया जाता होगा, शायद पाया जाता है, ठीक है. तो वो जो ग्लोब है वो एकदम सेम टू सेम कॉपी है हमारे अर्थ की तरह, अर्थ का. ऑन द सर्कल ऑफ द अर्थ यू कैन शो नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. सो एज यू कैन सी इफ़ यू हैव द ग्लोब एट योर होम देन यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ अर्थ देयर इज एन नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. विद द हेल्प ऑफ ग्लोब इट कैन बी सेड दैट अर्थ इज टाइटल्ड टुवर्ड वन साइड. अगर अगर हम ये देखा जाए अगर ग्लोब की मदद से हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है वो एक ही साइड पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ओके, दिखाई पड़ रहा है, उसे कहते हैं टाइटल टुवर्ड्स वन वर्ड वन साइड. नाउ Let us read about the pole star. That what is a pole star? There is a star in the sky which always appear in the same direction. यानी कि बच्चों जो पोल स्टार होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपको मिलेगा at a same place और एक ही जगह पे. Then how to recognize the star? अब आपको इतना पता चल गया है कि जो पोल स्टार है वो एक ही डायरेक्शन में होता है और एक ही जगह पे होता है, उसकी जो प्लेस है और जो डायरेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होती है. तो अब आप उस स्टार को रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानेंगे कैसे. द पोलर स्टार कैन
कैन इजिली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिलेशन सप्तर्षि। यानी कि बच्चों, जो पोलर स्टार है इसको पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एज यू कैन सी द कॉन्स्टिलेशन सप्तर्षि। सप्तर्षि क्या होते हैं? सात तारों, है ना, जैसे सात तारों से बना हुआ जो हम कह सकते हैं एक पैटर्न, उसे हम कहते हैं सप्तर्षि। और कॉन्स्टिलेशन क्या होता है बच्चों? नक्षत्र, है ना, नक्षत्र। यानी कि आपने देखा होगा आसमान में बहुत सारे तारे मिलके बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। यू विल सी अ ब्राइट स्टार व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फैबुलस लाइन कनेक्टिंग द टू स्टार इन फ्रंट ऑफ सप्तर्षि। बच्चों, पोलर स्टार को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप कभी भी आसमान में जब देखो तो जहाँ पे भी आपको सप्तर्षि यानी कि सात तारे दिखाई देंगे, उन सात तारों में से जो दो तारे आपको आगे की तरफ दिखाई देंगे, इन फ्रंट ऑफ सप्तर्षि, सप्तर्षि के आगे जो दो तारे दिखाएंगे देंगे आपको, सीधे सीधे एकदम आपको स्ट्रेटली देखना है, दैट द पोलर स्टार, तो वहाँ पे आपको पोलर स्टार दिखाई दे जाएगा। यानी कि उनमें से हमारा एक तारा होता है जिन्हें हम नाम देते हैं पोलर स्टार। पीपल हु ट्रैवल बाय सी और हु ट्रैवल इन डेजर्ट कैन ईजिली फाइंड पोलर स्टार। बच्चों, जो लोग ट्रैवल करते हैं सी के जरिए या फिर जो लोग ट्रैवल करते हैं डेजर्ट में, उनको पोलर स्टार ईजिली दिखाई दे जाता है। द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर्स इज नॉर्थ। ओके स्टूडेंट्स, एज वी कैन ऑलरेडी रीड दैट द पोलर स्टार इज फाउंड इन द सेम डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन इज नॉर्थ साइड। ओके, जब भी आप नॉर्थ साइड में देखेंगे तो आपको अक्सर पोलर स्टार वहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही पाया जाता है और किसी भी डायरेक्शन में आपको पोलर स्टार नहीं दिखाई देगा। इट इज़ विजिबल ओनली इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, वो आपको हमेशा नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही दिखाई पड़ेगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे मैम ये नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या होता है? तो बच्चों, जो हमारा जो अर्थ है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो बीच वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर, राइट। तो इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला होता है वो होता है साउथन हेमिस्फीयर। सो अगर आपको पोलर स्टार देखना है तो हमें हमेशा जो पोलर स्टार है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही दिखाई पड़ेगा। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होता है? स्थिरता, कि वो एक ही जगह रहता है, कभी भी कहीं और आपको किसी भी डायरेक्शन में आपको नहीं दिखेगा। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, जो उसकी जो स्टेबिलिटी है उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, एक ही जगह पे पाया जाता है, और जो हमारा अर्थ है उसकी थोड़ी सर्कुलर शेप होती है, तो जिसके कारण से हम पोलर स्टार को कभी भी साउथर्न हेमिस्फीयर से नहीं देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन। इन दिस पैराग्राफ वी विल लर्न अबाउट द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। जो वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हम लोग इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी यानी कि जो हम अपनी कल्पनाओं से मिलके जो लाइन बनाते हैं अर्थ सरफेस पे, उन्हें हम कह सकते हैं लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन कैन बी नोन। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ ड्राइंग दिस लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड लाइन ऑन द अर्थ सरफेस? विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वी कैन नो द एग्जैक्ट टाइम एंड द लोकेशन। ओके, तो इनकी मदद के जरिए हम लोग जो हमारा जो एग्जैक्ट टाइम है, जो लोकेशन है कि हम कहाँ पे, लोकेशन टाइम, वो सब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन की मदद से ढूंढ सकते हैं या फिर हमें पता चल सकता है कि एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। दिस लाइन कैन ओनली बी सीन ऑन द मैप बट वी कैन नॉट सी दिस लाइन इन एनीवेयर। नो, दिस लाइन आर ओनली सीन ऑन द मैप। नेक्स्ट वन इज लैटिट्यूड। द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स
drawn on the earth's surface are called latitudes. बच्चों अब हमने यहाँ पे पढ़ा था लैटीट्यूड. लैटीट्यूड क्या होती है? हमेशा वर्टिकल लाइन जो बनी रहती हैं, ओके, उन्हें हम कहते हैं लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड. अब हम लैटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड पे हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों का मिक्स पढ़ा था. अब हम इन्हें सेपरेट वाइज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा देखिए लैटीट्यूड दिया गया है द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन. जो कल्पनाओं में जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं अर्थ सरफेस पे, उन्हें हम कहते हैं लैटीट्यूड. हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि जो स्लिपरी लाइन होती है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस आर दी हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर स्लिपरी लाइन दैट आर मेड ऑन द अर्थ सरफेस. दिस लाइन आर नोन एज लैटीट्यूड. ओके, इफ any point on the surface of the earth is connected by a straight line to the center of the earth, then the line becomes latitude of the point as far as an angle of the center is along the equator. यानी कि बच्चों इसमें ये बोला है, अगर आप कोई भी पॉइंट बनाते हैं, if any point, कोई भी पॉइंट बनाते हो सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे, जो कि कनेक्ट होता है एक स्ट्रेट लाइन से, ओके, एट द सेंटर, सेंटर में, अर्थ के एकदम सेंटर में, तो देन द लाइन बिकम लैटीट्यूड. तो तब उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड ऑफ द पॉइंट एज फार एज द एंगल. तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इस टाइप का एंगल. क्योंकि जब भी आप कोई भी लाइन को सीधे टच करते हो किसी भी पॉइंट से जो आपने बनाया है अर्थ सरफेस पे, तो उससे क्या होता है बच्चों, एक एंगल बन जाता है. ओके, द टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड आर 181. तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड, एज यू कैन सी दिस स्लिपरी लाइंस, ओके, ये टोटल हमारे कितनी है, 181. कितनी है, 181, यानी कि 181. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट वन इज लैटीट्यूशनल लाइन. लैटीट्यूशनल लाइन के बारे में अब हम पढ़ेंगे. द ईस्ट वेस्ट सर्कल कनेक्टेड द प्लेस फाउंड ऑन द अर्थ इन द नॉर्थन और साउथन हेमिस्फीयर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर आर कॉल्ड लैटीट्यूशनल लाइन. मीन्स बच्चों जो हमारा ईस्ट वेस्ट सर्कल होता है, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग पूर्व और पश्चिम जो सर्कल होता है, कनेक्ट द प्लेसेस फाउंड ऑन द अर्थ. और जब ईस्ट और वेस्ट सर्कल जब किसी भी प्लेस को कनेक्ट करते हैं जो कि अर्थ पे पाई जाती है, चाहे वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में हो चाहे साउथन हेमिस्फीयर में हो, एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. और इसका जो डिस्टेंस होता है वो आप चाहे उसे नॉर्थन साइड से लीजिए चाहे साउथन पार्ट से लीजिए, उसका जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ही इक्वल होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर. इक्वेटर की कंपैरिजन में, तो उसे हम कहते हैं लैटीट्यूशनल लाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉन्गीट्यूड. द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके बच्चों, हमने लैटीट्यूड में क्या पढ़ा था, द हॉरिजॉन्टल, राइट. तो लैटीट्यूड में हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम बनाते हैं इमेजिनरी लाइंस, और लॉन्गीट्यूड में क्या होता है, वर्टिकल लाइन. वर्टिकल यानी कि आप देख सकते हो ऊपर से नीचे. यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा जो ये जो सीधे सीधे जो लाइन आ रही हैं ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गीट्यूड. जो वर्टिकल लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं, the vertical imaginary lines drawn on the surface of the earth are called longitudes. जो भी vertical हम जो line बनाते हैं imaginary यानी कि काल्पनिक lines जो हम बनाते हैं earth surface पे, उसे हम कहते हैं longitude. the longitude meet each other at the poles. जो longitudes जो line होती हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे मीट करती हैं, एट दी पोल्स. दिस लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर. ये जो लाइन होती हैं वो एक दूसरे के करीब कब आती हैं, वाइल गोइंग टूवर्ड्स पोल्स. जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ वो लाइन जाती हैं, जो लाइन्स हैं वो आपस में
पाँच पाँच आती जाती हैं। देयर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स। टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड्स लाइन है? 360, यस। और लैटिट्यूड कितनी थी बच्चों? 181। एमंग विच 0 degree longitude एंड 180 degree longitude आर इम्पॉर्टेंट। 360 longitude होते हैं टोटल, जिसमें कि जो 0 degree longitude है और जो 180 degree longitude है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताए जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ सर्कल। दैट व्हाट इज अ लाइन ऑफ सर्कल? द नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन। जो नॉर्थ और साउथ की जो आपस में जो स्ट्रेट लाइन है वो कनेक्ट करती हैं। कनेक्टेड द इमेजिनरी सरफेस ऑफ द ओरिजिनल लीनियर टू द अर्थ एक्सिस एट द सेम एंगुलर डिस्टेंस। यानी कि बच्चों इसमें जो नॉर्थ साउथ की जो लाइन है, जब वो एग्जैक्टली जो अर्थ पे जो हमारी जो ओरिजिनल लाइन है उनको कनेक्ट करती हैं एक सेम डिस्टेंस में, उनका डिस्टेंस भी क्या होता है? सेम। अलॉन्ग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लीनियर सर्कल। उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर सर्कल, जिसे कि हम सेमी सर्कल के नाम से भी जानते हैं, आधा सर्कल। ओके, जब नॉर्थ और साउथ की जो स्ट्रेट लाइन है जब वो आपस में कनेक्ट करती हैं ओरिजिनल लाइन से जो कि अर्थ सरफेस पे बनी है, उन्हें हम कहते हैं लीनियर सर्कल और सेमी सर्कल। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये थोड़ा सा डायग्राम आपको समझा देते हैं। देखिए, मेन लैटिट्यूड देखिए 66.5 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड में। देखिए, जब 66.5 डिग्री का जो नॉर्थन लैटिट्यूड है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। 23.5 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे देखिए जो 0 degree है वो हमारा होता है इक्वेटर। अब हमें यही सेम जो पॉइंट है वो नीचे भी आएंगे, 23.5 डिग्री, बट यहाँ पे आप साउथ लैटिट्यूड है उसे भी हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 साउथ लैटिट्यूड को कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पाया जाता है, राइट? तो एंटार्कटिक सर्कल। Now let us read this paragraph. Notice that there is a horizontal line drawn in the center of the earth's surface. यानी कि बच्चों आप देख सकते हो कि एक horizontal line बनाई गई है in the center of the earth's surface, like 0 degree, right? It is equator. इसे हम क्या कहते हैं? Equator. आप देख सकते हो 0 degree पे एक बहुत ही straight line बनी है बीचों बीच, उसे हम कहते हैं equator. अब इक्वेटर क्या करता है? द इक्वेटर डिवाइड अर्थ इंटू 2 equal parts। जो इक्वेटर है वो अर्थ को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 equal parts में। द पोर्शन अबव इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, वॉट एवर द पोर्शन फाउंड अबव द 0 degree इज नोन एज नॉर्थन हेमिस्फीयर। ओके, इन नॉर्थन हेमिस्फीयर वट आर गम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड द पोर्शन टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। एज यू कैन सी वट एवर द पोर्शन विच इज कम इन द साउथ पार्ट इज नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर। इन दिस वट इज कम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्कटिक सर्कल। दस लैटिट्यूड इन इट्स नॉर्थ आर कॉल्ड नॉर्थन लैटिट्यूड एंड दोज़ टुवर्ड्स साउथ आर कॉल्ड साउथर्न लैटिट्यूड। सो स्टूडेंट्स, वट एवर द लैटिट्यूड फाउंड इन द नॉर्थ पार्ट आर नोन एज नॉर्थन लैटिट्यूड एंड द लैटिट्यूड विच आर फाउंड इन द साउथ पार्ट आर नोन एज साउथर्न लैटिट्यूड। 23.5 degree नॉर्थ लैटिट्यूड इज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज आई ऑलरेडी डिस्कस इट विद यू, बट वन मोर टाइम आई डिस्कस दिस विद यू दैट 23.5 degree नॉर्थन लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
and the 23.5 northern latitude in the northern hemisphere is called Tropic of Cancer, and whatever the 23.5 degree found in the south part is known as Tropic of Capricorn. Okay, while 23.5 degree as latitude in the southern hemisphere is called Tropic of Capricorn, similarly 66.5 degree latitude in the north of the equator is called Tropic of Arctic Circle, and 66.5 latitude in the south of equator is called Antarctic Circle. 66.5 degree latitude which is found in the north part is known as Arctic Circle, and the 66.5 degree latitude found in the south part is known as Antarctic Circle. The speed of the sun between Tropic of Cancer in the north and Tropic of Capricorn in the south of equator is called Solstice. यानी कि बच्चों जो स्पीड है, जो सन की जो स्पीड होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसे हम सॉलिटिस कहते हैं. देयरफॉर द सर्कल बिटवीन दीज आर कॉल्ड सॉलिटिस. इट टेक्स 6 months फॉर द स्पीड ऑफ द सन. ओके, तो इसलिए हम सॉलिटिस कहते हैं. जो भी सर्कल्स इसके बीच में आते हैं, सर्कल्स यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंडर जो भी सर्कल्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिसिट्स. और जो सन है उसको पूरा हम कह सकते हैं ईस्ट से वेस्ट आने में टोटली अगर हम बात करें तो कितने मंथ लगते हैं उसको टोटली करने में, 6 months. फॉर दिस स्पीड अर्थ इज टाइटल द एट द कॉर्नर एट 23.5 डिग्री द सनरेज फॉल ऑलमोस्ट स्ट्रेट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और इसलिए हम कह सकते हैं जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इसके अंडर जितने भी हमारे स्टेट या फिर कंट्री आएंगी वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी, गर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं. नाउ लेट्स मूव. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि जो सन की जो रेज है वो आप देख सकते हो जो इक्वेटर लाइन है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उन पे ज़्यादा पड़ रही हैं, और एंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल पे थोड़ी कम पड़ रही हैं. तो इस ड्राइंग को देख के हम कह सकते हैं कि वट एवर द स्टेट, वट एवर द कंट्रीज, वट एवर द प्लेसेस कम अंडर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, इन दैट एरिया मोस्ट ऑफ द समर फॉर्म एंड द वट एवर द कंट्रीज और वट एवर द प्लेसेस कम अंडर द एंटार्कटिक ओशियन, एंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल, इन दैट एरिया मोस्ट ऑफ द कोल्ड टाइप ऑफ सीजन कैन बी फाउंड. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू दिस मच ओनली, एंड whatever the part is left we will see that in the next video. Till then stay happy and stay safe. Thank you. Bye.